हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंदू का खाना देखेगा जमाना। आई होप यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो एंड लाइक्ड इट टू। बट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट और यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। आज का वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें मिलेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स और एक ऐसा मैजिक मसाला जो आपकी इस रेसिपी को और भी लाजवाब बना देगा। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी पिज़्ज़ा। इसके लिए ना आपको किसी ओवन, ना माइक्रोवेव और ना ही किसी स्पेशल गैजेट की ज़रूरत है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके टॉपिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज और टोमेटोज लिया है, जिसे लंबा लंबा काट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कॉर्न, पनीर या अपनी पसंद की दूसरी टॉपिंग भी ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए ग्रेटेड चीज़। मैंने यहाँ चीज़ा का इस्तेमाल किया है और कुछ ऑलिव्स एंड जैलापिनो फॉर द टॉपिंग एंड फ्लेवर। अब बारी है हमारे टिप ऑफ द डे की। पिज़्ज़ा बेस पे स्प्रिंकल करने के लिए हम चावल का आटा या मकई के आटे का ही प्रयोग करेंगे। इससे हमारा पिज़्ज़ा चिमड़ा हुआ नहीं बनेगा। तो इस तरह से मैंने प्लेटफॉर्म पे राइस का आटा स्प्रिंकल करके उस लोई को अच्छे से लपेट लिया है। हम इसे प्लेटफॉर्म पे बेल रहे हैं, क्योंकि चकले का साइज़ लार्ज पिज़्ज़ा के लिए इनफ नहीं होगा। यहाँ पे हम साइड्स को भी मोटा नहीं रख रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे कोई भी मोटा साइड्स खाना पसंद नहीं करता है। अगर आपको मोटे साइड्स पसंद है तो आप उसे मोटा छोड़ सकते हैं। जो हमने पिज़्ज़ा सॉस घर पे रेडी किया है वो इस बेस पे अच्छी तरह से फैला लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। हमने एक पैन को प्री हीट करने के लिए रखा था, उस पर हमने थोड़ा सा बटर लगा दिया है। और अब हम अपने इस बेस को, आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर फैला लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस हमने पहले लगा लिया था, क्योंकि अंदर गरम तवे पे पिज़्ज़ा सॉस फैलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं टॉपिंग रिलेटेड, वो हम डायरेक्टली पैन के ऊपर डालेंगे। मैं यहाँ कुछ चीज़ स्लाइसेस का यूज़ कर रही हूँ बेस के ऊपर। अगर आपको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और आप एक्स्ट्रा चीज़ डालना चाहते हैं, तो आपको इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 6-7 स्लाइसेस आप उस पर यूँ ही फैला सकते हैं। मैंने कहीं भी सॉल्ट का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है, क्योंकि मैंने डो में भी सॉल्ट डाला था और मेरे पिज़्ज़ा सॉस में भी सॉल्ट है, प्लस हर्ब्स भी पिज़्ज़ा सॉस में मिले हुए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डाल रहे, क्योंकि चीज़ में भी अपना एक सॉल्ट होता है। हम इस पे धीरे धीरे अपनी पसंद की टॉपिंग्स फैलाते जाएंगे। आप टॉपिंग्स का मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपकी टेस्ट बड को सूट करे। और जैसा मैंने बताया था, अगर इसमें से कोई इंग्रेडिएंट टॉपिंग के लिए आपको पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा गैस का फ्लेम कंटिन्यूसली लो लेवल पे होना चाहिए, सेटिंग करते वक्त भी और पकाते वक्त भी। बेस पे जहाँ हमने चीज़ स्लाइस लगाया है, वहाँ पे भी आप ग्रेटेड चीज़ का इस्तेमाल कर सकते थे। अब हम ऊपर से वापस इस ग्रेटेड चीज़ को अच्छी तरह पूरे में स्प्रिंकल कर देंगे। अब बारी है हमारे मैजिक मसाले की। यस, जस्ट अ पिंच ऑफ लव टू मेक योर रेसिपी एक्सेलेंट। 12 मिनट्स के बाद ये बेस हमारा रेडी और क्रिस्प हो चुका है। गॉड, अ पिंच ऑफ लव हैज टर्न्ड इनटू अ लवली एरोमा। अब बारी है हमारे सेकेंड टिप ऑफ द डे की। अगर आपके पास पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक बड़ा पैन विद लिड नहीं है, तो आप इस पिज़्ज़ा को किसी भी नॉर्मल तवे या नॉन स्टिक तवे पे इस तरह से ढक के रख सकते हैं। यमी पिज़्ज़ा इज़ रेडी टू सर्व। लाइक आवर रेसिपी, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय, सी यू।